सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस एज यू ऑल नो, जैसा कि हम लोग ने 2 महीना हो गया है ऑलमोस्ट अपना गाड़ी में ग्लैडिएटर का डिस्क डाला था, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा अबाउट द ग्लैडिएटर डिस्क एंड मेरा रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू 2 मंथ्स का यूजेज में मेरे को कैसा लगा ये डिस्क सेटअप। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव डन टिल डेट ऑन माय बाइक। यस, ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो तरीका का सेफ्टी देता है ये चीज़, ये डिस्क सेटअप, मतलब ये मस्ट है अपने गाड़ी में, तो चाहिए ही चाहिए। अभी मैं ऑलमोस्ट 6-8 साल हो गया था मैं ये गाड़ी पे अपना ड्रम चला रहा था, ड्रम वाला सेटअप जो ब्रेक सेटअप है, एंड कभी भी उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, एंड वो भी मेरे को तभी फील हुआ जब मैं इसके ऊपर डिस्क सेटअप पे आया। मैं बोला कि मतलब व्हाट अ चेंज, मतलब जो चेंज है वो बहुत ही सही था। मतलब जैसे कि आप लोग को सबको मालूम है RX 100 बहुत ही फास्ट बाइक है, मतलब जो उसका टॉर्क वगैरह जो भी पावर है, लाइट वेट बॉडी एंड पावर, उसके हिसाब से इसका ब्रेकिंग ड्रम ब्रेक्स को मतलब सूट नहीं करता है, ड्रम ब्रेक्स उतना वो बाइट नहीं देता है, कितना भी आप लाइनर विनर चेंज कर दो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एंड इसका जो ब्रेकिंग है वो ज़बरदस्त है, मतलब जो फीडबैक है जैसा रुकता है, मतलब एकदम आपको डर नहीं लगेगा, एकदम कंट्रोल्ड तरीके में गाड़ी रुकता है, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है, आपको ऐसा डर नहीं लगता है। अभी जैसे कि ये गाड़ी लाइट वेट है, लेकिन डिस्क लगाने के बाद मेरे को थोड़ा डाउट था कि गाड़ी स्किड हो जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सही काम करता है एंड मस्ट बाय है। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ पे आते हैं वो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब अगर समझो अगर कोई शौकीन आदमी ही कर सकता है, जो ये गाड़ी डेली चलाता है, मतलब नॉर्मल यूजेज अप डाउन करने का है जिसको, वो उतना पैसा खर्चा नहीं करेगा। अभी मैंने इसमें एग्जैक्टली 9,000 रुपीज़ खर्चा कर दिया, एंड आप लोग को अगर देखने का है पार्ट्स के ऊपर इसका वीडियो डिटेल्ड में बनाया है मैंने, तो वो अभी आई बटन पे ऊपर आ जाएगा, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं, हर एक छोटा छोटा नट बोल्ट का अपना कितना पैसा लगा सबका वीडियो है, सबका डिटेल्ड में मैंने बताया है उसके अंदर हर एक चीज़ का प्राइस। सो वन टाइम खर्चा है, अगर आप खर्चा कर सकते हो तो बहुत सही है, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देता आप लोग को कि आप लोग एक बार लगा लिया इसको तो नो वे बैक। अभी मैं सोच रहा था कि डिस्क लगाने के बाद में कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगा ड्रम में जाने को, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कभी भी इसके बाद अभी ड्रम पे जाने वाला है नहीं, ड्रम ब्रेक्स पे, ड्रम ब्रेक्स अभी थोड़ा डम ब्रेक्स हो गए डैड जोक। सो गाइस जो थर्ड चीज़ पे आएंगे वो है ओनली गो फॉर ग्लैडिएटर सेटअप, डोंट गो फॉर एनी अदर सेटअप, मतलब आपका चॉइस है, आप लोग को अगर दूसरा कोई सेटअप लेने का है तो आप लोग ले सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एक, अभी आप लोग आई बटन पे चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने अपाचे पल्सर ग्लैडिएटर RX किंग सबका मैंने कंपेरिजन किया, किसका किसका कितना प्राइस लगता है एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, कौन सा सेटअप का, हर सेटअप का मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों मैंने बताया है एक ही वीडियो में, तो वो आई बटन पे आप लोग चेक कर सकते हैं, अमेजिंग वीडियो है। सो मेरा बताने का रीज़न यही है क्योंकि वो वीडियो में भी मैंने बोला ग्लैडिएटर सेटअप नंबर 1 पे, क्योंकि जो प्राइस पे आता है, जो इसका फीडबैक है, जो इसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, प्राइस है, सब एकदम ऑन पॉइंट है, आपको कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट बैठता है। सो दैट वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है लेकिन ये चीज़ का कोई ध्यान नहीं देता है, दैट इज टायर्स। यस गाइस, टायर्स। अभी आप लोग बोलेंगे टायर का क्या संबंध है डिस्क ब्रेक के साथ में, मैं बोलता है बहुत संबंध है। अभी वो कैसे, अभी जैसे कि आप लोग को मालूम है अपन ब्रेक्स दबाएंगे तो सबसे पहला चीज़ जो है रोड के साथ में जिसका कॉन्टैक्ट है वो है टायर। अगर आपका टायर ही जूना है, मतलब हार्ड हो गया है, जैसे कि आप लोग को मालूम है टायर हार्ड होता है, रबर कड़क होता है, तो उसके बाद वो
स्केड होता है, रोड के साथ में ग्रिप नहीं बनाता है, एक्सेलरेट करेंगे अपन तो टायर घूम जाता है, तो बहुत कुछ होता है। तो वही है, ब्रेक भी जब अपन मारेंगे तो हार्ड टायर स्कीड मार देगा। अगर अच्छा टायर रहेगा जिसका लाइफ बहुत सही है, जिसमें क्रैक्स नहीं है, वो टायर मस्त परफॉर्म करेगा, एकदम रोड को चिपक के रहेगा। एंड जैसे कि आप लोग को मालूम है, डिस सेटअप पहले ही बहुत ज़ोर से लगता है एकदम, मतलब अगर आप न्यू राइडर है और आपने पैनिक ब्रेकिंग कर दिया कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एंड उसमें आपका टायर जितना अच्छा रहेगा, आपका बचने का चांस, मतलब आपका कोई भी मिसहैप होने से कम चांस रहेगा। तो इसीलिए टायर आपका बहुत ज़रूरी है, और इसका तो टायर बहुत ही मतलब सस्ते प्राइस में आ जाता है। अभी मैंने जब भी 2018 में मिशलिन सिराज डाला था आगे पीछे, तो मेरे को एग्जैक्ट 3000 रुपीज़ पड़ा था। अभी आई गेस 3500 तक जा सकता है मार्केट में, एक बार आप लोग प्राइस चेक कर लीजिए। एकदम बेस्ट टायर है, इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है टायर्स के ऊपर, वो भी आप लोग आई बटन पे चेक कर सकते हैं। सो मैं एंड में आप लोग को यही बोलेगा, गो फॉर दिस ब्रेक सेटअप, डिस ब्रेक सेटअप मस्ट बाय है। आपको कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होएगा, गाड़ी कभी डिस्क लगाएंगे तो कभी डिसबैलेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए स्टार्टिंग में, आप लोग ऐसा ज़बरदस्ती ऐसा ज़ोर से नहीं दबा सकते उसको। एक बार आप यूज़ टू हो गए तो फिर ख़त्म, आपको आदत ही हो जाएगा। आप कभी भी ड्रम ब्रेक्स पे अगर कोई गाड़ी चलाया तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस रिव्यू वीडियो ऑन द ग्लैडिएटर डिस्क। मैं एक प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट बना देगा, इंस्टॉलेशन वगैरह वाला, पार्ट्स का प्राइस वाला एक बना देगा, तो उसमें भी आप लोग हर एक वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने चेम्बर डालने के टाइम में पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया था मैंने, तो वैसे ही अभी एक डिस्क सेटअप के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट में बना देगा, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, डू चेक इट आउट। सो या गाइस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऐसा और वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। अंटिल देन दिस इज पीडी लियो साइनिंग ऑफ, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज राइड सेफ।